हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडी ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के फुटबॉल अपडेट्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली फुटबॉल अपडेट्स आ रही है, एफसी गोवा ने अपने हेड कोच जुआन फर्नांडो को रिटेन कर लिया है। अब देखना ये होगा कि उनके अंडर में एफसी गोवा एफसी चैंपियंस लीग में कैसा परफॉर्म करती है। अगर जुआन फर्नांडो की बात करें तो उन्होंने एफसी गोवा को पिछले साल अगस्त 2020 में क्लब को ज्वाइन किया था। इस साल 20 मैचों में उनके अंदर टीम ने 7 मैच जीते, 10 मैच ड्रॉ खेले और 3 मैचों में हार मिली। और पर मैच पॉइंट्स की बात करें तो 1.55 पर मैच पॉइंट्स एफसी गोवा टीम ने हासिल किए। और दूसरी खबर यह है कि साउथ जोन एफसी कप 2021 के मैचेस माले मालदीव में खेले जाएंगे। भारत की तरफ से बेंगलुरु एफसी और एटीके मोहन बगान ने एफसी कप खेलने के लिए क्वालिफाई किया है। बेंगलुरु एफसी ने प्रीमियरी स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है तथा एटीके मोहन बगान ने ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है। बेंगलुरु एफसी के मैच 14 अप्रैल को है तथा एटीके मोहन बगान का मैच 14 मई, 17 मई और 20 मई को है। और नेक्स्ट अपडेट है, बेंगलुरु एफसी ने 3 विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिसमें पहला नाम फ्रैंक गंजालिस, दूसरा सिस्को और तीसरा क्रिश्चियन ऑक्सेट है। इन तीनों खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट इस आईएसएल सीजन के लास्ट तक था। उसके बाद अब देखना ये होगा कि बेंगलुरु एफसी किन खिलाड़ियों को साइन करती है। बेंगलुरु एफसी को इस साल अच्छे खिलाड़ियों को साइन करना होगा ताकि वो एफसी कप में अच्छा परफॉर्म कर सके। और नेक्स्ट अपडेट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सेंट्रल मिडफील्डर अपुइया को मुंबई सिटी एफसी ने साइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने इस साल 20 मैचों में 18 मैचों में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया। सर्जियो लोवेरा को उनके खेल का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अपुइया ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 2019 में ज्वाइन किया था, इससे पहले वह इंडियन एरो में खेला करते थे। रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि अपुइया के लिए केवल मुंबई सिटी एफसी ही नहीं, कई सारे आईएसएल के क्लब इंटरेस्टेड हैं और वो ट्रांसफ़र फीस देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये दोस्तों, ये रही आज की फुटबॉल अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।